टोरंटो एमटार टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एमटार टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो 68% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं क्वार्टरली बेसिस पे, और 91 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन देखिए ऐसा मत समझिए कि ये ग्रोथ हमेशा आपको देखने को मिलेगी। देखिए पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, तो नॉर्मली कंपनी को जितना रेवेन्यू मिलता उतना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट नहीं किया था, तो इसीलिए ये ग्रोथ हमें इतनी फिनोमिनल देखने को मिल रही है। अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 137% से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 19 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर आया है। तो अगर हम देखेंगे सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर अच्छे हैं, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ का नंबर भी अच्छा है। और 37% से कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर 19 करोड़ का कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कमाया है। तो अगर हम देखेंगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ है ये भी काफी अच्छी है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये भी परसेंटेज वाइज ये नंबर भी काफी अच्छा है। अब देखिए लगभग 5,200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 11 के प्राइस टू बुक पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन जो ग्रोथ यहाँ पे ये कंपनी दिखा रही है तो उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको नहीं दिख रहा है, अभी 9 रुपये का कंपनी का 6 महीने का अर्निंग पर शेयर है, यानी कि आने वाले 6 महीने में कंपनी अगर ये सेम परफॉर्मेंस दिखाती है तो लगभग 18 रुपये का कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर का EPS होगा। वहां पर अगर हम देखें अभी स्टॉक लगभग 1800 के लगभग ट्रेड हो रहा है, तो अभी 100 के PE पे ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए जिस तरीके से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो एक साल यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, बाकी हर साल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो अगर इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर कंपनी दिखाएगी तो सीधी सी बात है कि मार्केट उसे थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन देगा। अब देखिए 1766 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और लगभग 3.5% ये स्टॉक आज ऊपर था, और अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो 1810 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो 2-2.5% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको करेक्शन पे मिल रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे जिसका जो IPO प्राइस था उससे अगर हम देखें तो मोस्टली अराउंड 2.5-3 गुना ये स्टॉक हो चुका है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता है तो वहाँ पर इसे एवरेजिंग की जा सकती है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन ऑलरेडी आज स्टॉक 3.5% भाग चुका है और कल हो सकता है कि एक अच्छी खासी हमें गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिले और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 3.5% अभी और 3-4% अगर गैप अप ओपन होता है तो ये 6-7% यानी कि वो जो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हैं वो चीज़ें फैक्टर इन हो जाएंगी, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एमटार टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।